मैं आज कसम खाती हूँ कि जिस तरीके से उन दरिंदों ने मेरी दुनिया उजाड़ी है, उन दरिंदों की दुनिया चुन चुन के तबाह और बर्बाद कर दूंगी। जोरदार तालियां हो जाए हमारे छोटे छोटे कलाकारों के लिए। कहते हैं तू रोते रोते आखिर की बहुत सेवा करती थी, कानून की बहुत हिफाजत करती थी, आखिर कानून ने तुझे क्या दिया? चाचा बोल, कुछ भी हो जाए मगर ये है कि लोग कानून को नहीं तोड़ सकते, इसलिए तू मेरी बात को मान, मैं तुझे जेल से बाहर निकाल देता हूँ। मगर चाचा मैं सिर्फ कानून की पुजारी, फिर कानून की हिफाजत करने को सोचती है। तुझे मेरे बचपन से पाला पोसा, लेकिन आज मुझे बहुत खल रहा है जिसलिए तू जेल की सलाखों में बंद है, वो भी गैर कानून, कोई केस भी नहीं तेरे ऊपर। इसलिए मेरी बात मान और मैं हथकड़ी खोल देता हूँ, तू चंबल की तरफ निकल जा। ठीक है चाचा। छीना है अगर उन्हें मैं शमशान घाट नहीं पहुंचाई तो मेरा नाम हसीना नहीं है। बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए क्योंकि मैं उन दरिंदों से हूं। जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम विजयी हो। कसम पैदा करने वाले जी, ऐसी तबाही सिंदरपुर में मचाऊंगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। अरे मुन्ना, तेरा इलेक्शन बिल्कुल नजदीक आ चुका है, और एक बात याद रखना, तुम लोग हमरे मुन्ने को विजय जरूर कराना है। हाँ, आप लोगों का वोट और सपोर्ट दोनों हम लोगों को चाहिए। याद रखना ये बात को, अगर किसी ने हमरे मुन्ना के खिलाफ आवाज उठाया तो जानते हो क्या हासिल करूंगा तुम लोगों का। याद रखना हमारी बात को। और कुंदन सिंह, तुमने कहा कि तैयारी किया है, कहा कि तैयारी किया है? अरे ओ भैया, मैं तो विदेश जाने की तैयारी किया है। विदेश जाने की? हाँ, देखिए कुंदन भाई, देखिए इलेक्शन का मामला है, आप विदेश जाकर काफी रकम लाना होगा। हाँ, क्योंकि इलेक्शन का मामला है और उस इलेक्शन में काफी रकम लगती है। अरे कालू भाई, अरे ये वोट कौन नहीं देगा? अरे ये कुंदन सिंह जिस जनता पे लगा देगा नोट तो उसकी ले लेगा। ओ मुझे विदेश भी जाना हो। ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम जा सकते हो। हम अपने मुन्ने की तैयारी आप करवाते भाई, आप ही लोगों की बदौलत तो हमारा तख्त पोशी है, नहीं तो हमें कौन पूछता, यहाँ पर कोई भी जानता नहीं था। आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोगों ने हमें बुलाया यहाँ और हमारी मदद की। हाँ, क्योंकि
आज मेरा मुन्ना जो कुछ बना है सिर्फ आप लोगों की देन है, आप लोगों की देन है। अगर आप लोग नहीं चाहते तो हमारा मुन्ना और वैसे और आप लोग यदि हमारी इसी तरह मदद करते रहे तो हम आपसे वायदा करते हैं इससे भी बड़ा काम हम करके दिखाएंगे, इससे भी बड़ा काम होगा। इंदरपुर में जो कोई काम बाकी है तो हमारा मुन्ना करवाएगा। ये हमारे श्री माने हुए राजकुमार सुगलन पूर्वा की तरफ से ये 21 रुपए का पुरस्कार इन कलाकारों के लिए आया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। कहते हैं कि किसी का दिल तरी से चल रहा है, किसी का दिल तरी से चल रहा है, किसी का दिल किसी से चल रहा है। आज मिलाएंगे क्या उनका दिल अपने दिल से, सुना है उनका दिल किसी बैटरी से चल रहा है। एक बार जोरदार तालियां। आज के समझ आ रहे हैं। अरे ओ भैया, अब मुझे विदेश जाना होगा क्योंकि हमारा मुन्ना इलेक्शन में खड़ा होगा, उसको जिताना है। तो 2 दिन की है जिंदगी हंसी हंस गुजार।
पूरा जोर जा ताली हो जाए। नहीं मालिक, नहीं मालिक, इन हराम चादों को ऐसी मौत मारो। इन हराम चादों ने बहुत ही अत्याचार किया है। इन हराम चादों को कुत्तों की मौत मारो। हराम चादों को अगर पाकिस्तान कुंदन सिंह के हंसी उड़ाने की कोशिश किया तो सच का मोर्चा पूरा। आज मैं तुझे सरकार भेजूंगा पाकिस्तान की जगह। नहीं मालिक, नहीं मालिक, आज इसके सारे कपड़े उतार करके इसको धोती पहना के मारो। इन हरामजादों ने सबको पीला दुश्वार कर दिया है। पाकिस्तान ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान ये कार्ड खोल के सुन ले, आज तक ठीक तो सुन ले, नाम और निशान नहीं होगा, हिंदुस्तान तो होगा मगर साला पाकिस्तान। क्यों कुंदन सिंह, किस हाल में है तू? बोल, पाकिस्तान जाएगा एक पुलिस के सामने कानून को हाथ में लेने वाला तरीका, पाकिस्तान जाएगा क्यों? साला हराम चादा, जब हम लोग गरीबों के घर में साला अत्याचार करता रहा, हम लोग मजबूर थे, इन हराम चादों से आज बदला लेंगे। इस साले को बना के मारो। इसके सारे कपड़े उतार दो, सिपाही इसके सारे कपड़े उतार करके इसको धोती मारो। कपड़े उतार रहा हो, उतार रहा हो, उतार रहा हो, लेकिन हिंदुस्तान वालों से बता दो, अगर किसी ने ये साला हराम चादा इतने कपड़े पहने, इसके कहां से लगेगा? इसके सारे कपड़े उतार करके इसको धोती पहना करके इसको कैच करा के हराम चादा को कुत्तों की मौत मारो। यदि ये साड़ी पहनना है साले, हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में साले तुम कोरोना फैला दियो है, साले गलत काम किए हो, तेरी मैयत पैर तोरी बहनी महतारी पिटिया चरण छुई है। हिंदुस्तान वालों कान खोल कर सुन लो, अगर कहीं इस दुनिया में मैं जिंदा बच गया तो आप लोगों से वादा करता हूं कि फिर आऊंगा तुम्हारे हिंदुस्तान में और किसी तरह का। नहीं
भाई दोस्तों, इस हराम काजे को आज मैं बचने नहीं दूंगा। ये हमारा तुमसे वादा है। आइटम बम बना करके ये किस्मत पर भूल गया। सात 1896 की शूटों को शायद भूल गया। अब तू बार चिंता मत कर, सारा इतिहास बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती है, सारा भूगोल बदल देंगे। और भारत की चोटी पर लहराएगा भारत। साले कहूं के लिए धो जा रहे तेरी मैया का उतार पहरी का जैसे साले पहरवे पहरे थे वैसे वैसे पहरे। साले बंदर नचाने जा रहा है क्यों? अबे मदारी की औलाद, आज तुझे मैं दिखाऊंगा इस वर्दी में कितनी सर क्या हो रहा? ये क्या कुंदन सिंह है क्या? अगर हमारी आंखें धोखा नहीं दे रही तो ये हरामजादा चाकू कुंदन सिंह है और मैं इसे आज गोली मार दूंगा। मैं तुमसे सीनियर हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि डाकू नहीं बल्कि ठाकुर कुंदन सिंह है। समझे? आपके पास प्रूफ है सर? हाँ, ये ठाकुर सिंह है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये ठाकुर कुंदन सिंह। कहीं ऐसा तो नहीं सर? नहीं, किसके दाल का नमक आप भी खा रहे हैं? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम अच्छी तरह जानते हैं। इसे छोड़ दिया जाए। कोई बात नहीं सर, आप मेरे सीनियर हैं इसलिए आज इसे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, और अगर नजर आए कुंदन सिंह कैसे इसके पंजे में आ गया? पहले पहले ही बदला था। बादशाह खां बहुत होशियार है और करुण का रखवाला है, फिर भी इसके चक्कर में आ गए। अगर मैं ना जाता हाँ तुम्हें गोली मार देता। हाँ। गोली मार देता तो फिर अरे मैं तो जा रहा था विदेश भैया। हाँ, लेकिन यार चश्मा यूज़ करके चला हमारे रास्ते पर रोड़ा बन गया। ये कुंदन सिंह वो पला है के शीर्ष से पत्थर को तोड़ देता है। हाँ चलिए, हिंदुस्तान वालों, अगर ये कुंदन सिंह बर्बाद करके न रख दिया तो मेरे चलो तो पानी निकालो, अगर शेर सामने आए तो आके निकाल। जो नहीं कर सकी भारत की नारी वो करके दिखलाऊंगी। रंजीत सिंह तेरी हस्ती को मिटा। करूंगी जुल्म की बरसात, करूंगी जुल्म की बरसात, पाप क्या दिलाऊंगी। ज़माना तो वह करेगा तहलका।